नमस्ते, कैसे हो सभी। शिशु वाटिका में 12 व्यवस्थाएं हैं, उनमें से एक व्यवस्था है तरंग ताल। तरंग ताल में पिछले वाले वीडियो में भी, जैसे कि तरंग ताल यानी स्विमिंग पूल, हम मार्केट नहीं जा सकते हैं तो घर पे भी हम जैसे तरंग ताल बना सकते हैं। आजकल तो मार्केट में भी मिलता है, उसको हवा फुला के। जैसे कि ये देखिए, ये तो कहीं हम घूमने जाते हैं वहाँ का है वाटर, गार्डन में जाते हैं। जैसे कि ये एक फिसल पट्टी है, उसके अंदर से वहाँ से बच्चा आया और इस पानी के अंदर गिरेगा तो उसको बहुत ही अच्छा लगेगा। खेल खेल में वो काफ़ी चीज़ें सीख जाएगा और बहुत आनंद लेगा। ये भी देखिए, ये भी एक स्विमिंग पूल है, इसमें भी तीन भैया खेल रहे हैं, कितने आनंद से खेल रहे हैं। तो उसको पानी से डर भी नहीं लगेगा, साथ साथ में वो क्या हर चीज़ उसको इंजॉय करेगा, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों उसकी वृद्धि करेंगे। ये भी देखो एक प्रकार का स्विमिंग पूल है, अधिकतर स्कूल में भी होता है, स्कूल में भी है। तो ये देखो बच्चे हैं, इसके अंदर बॉल से खेल रहे हैं तो उनको बहुत आनंद आ रहा है। इससे क्या है, मिल के खेलना सीख जाते हैं, साथ साथ में वो और अच्छे से बोलना भी सीख जाते हैं। ये देखिए, ये है व्हीकल नेम्स। व्हीकल नेम में सबसे ऊपर है बाईसाइकिल, BICYCLE, बाईसाइकिल यानी साइकिल। फिर है बस, BUS, बस। ये बच्चों को बतानी है और साथ साथ में पहचान भी करानी है, और उसको सीधा स्पेलिंग नहीं तो साथ साथ में बताएं कि ये साइकिल है, ये बस है, ये वाली जो बड़ी बस है ये डबल डेकर बस होती है, जो दो मंजिल की होती है, नीचे भी और ऊपर भी। और ये है एरोप्लेन, कार और स्कूटर, ये है हेलीकॉप्टर। ये सब बच्चों को इससे उसको जानकारी देनी है, साथ साथ में पहचान करवानी है, फिर बाद में उसको स्पेलिंग करवानी है। पहले उसको पहचान हो जाएगी व्हीकल्स की, फिर बाद में इच्छुक। जैसे कि ये है बस, ये डबल मेकर की बस होती है, डबल टेकर। ये देखो एक नीचे हिस्सा होता है, एक ऊपर होता है, इसमें नीचे भी बैठ सकते हैं ऊपर भी हो सकता है। ये बड़ी सिटी में होती है, छोटी सिटी में नहीं होती, बड़ी जैसे मुंबई है और बड़े विदेशों में होती है ज़्यादातर। तो इसे बच्चे को हम चित्र में भी दिखा सकते हैं, इसे बस उसकी पहचान हो जाएगी। जैसे BUS, बस यानी बस। क्या है ये बस, कैसे रंग की होती है, लाल रंग की। ये कैसे रंग की है, लाल। उसको कलर की भी जानकारी देनी है, साथ साथ में उसको स्पेलिंग भी बता देनी है। ये देखिए, ये है ट्रेन। क्या है ये ट्रेन, ट्रेन को क्या कहते हैं, रेल। कभी बच्चे बैठे होंगे इसमें तो बच्चे को बैठते हैं तभी भी हम जानकारी दे सकते हैं। ये है ट्रेन, ट्रेन यानी रेल, रेलगाड़ी। जैसे ट्रेन की स्पेलिंग क्या होती है, TRAIN, ट्रेन यानी रेल, ट्रेन यानी रेल, रेल होती है, रेलगाड़ी इसको बोलते हैं। कैसे चलती है, छुक 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 चलती है ना। तो बच्चे को बताना है और हम साथ साथ में उसको पहचान भी करा सकते हैं कि ये क्या है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग क्या बोलेंगे। टी फॉर टाइगर भी होता है, वैसे ही टी फॉर ट्रेन भी होती है ना, बी फॉर बस होती है ना, बी फॉर बस। जैसे पहले हमने देखी थी बस, और ये है ट्रेन। क्या है ये, दो या तीन से ज़्यादा व्हीकल नहीं दिखाने हैं, उसको क्या पहचान हो जाएगी, साथ साथ में उनको स्पेलिंग भी याद कर लेगा। ये क्या है, हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर है ना, कहाँ पे चलता है, आसमान में। कैसे रंग का होता है, जैसे वाइट भी होता है, ब्लू भी होता है ना। तो ये कहाँ पे चलता है, हेलीकॉप्टर कहाँ चलता है, आसमान में चलता है। बच्चे को कभी देखा होगा, कभी आप उनको दिखाते हुए बोलना है कि ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। क्या है ये, हेलीकॉप्टर ना। तो जो मैंने अभी बताया आपको, साथ साथ में तरंग ताल के बारे में बच्चे को बताना है, और घर पे भी हम अच्छे से उसको खिला सकते हैं, टब में बिठा के या उसे जानकारी दे सकते हैं, और साथ साथ व्हीकल नेम की भी जानकारी देनी है। और अभिभावक महोदय से निवेदन है कि वो वीडियो दिखाएं और बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दें।